खास लोग और खास बात, देखिए इंडियन भाषा के साथ। आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, सारी दुनिया कोरोना वायरस के खहर में है, फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो इसके बावजूद भी दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल कर कई एक सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे रायचूर शहर के भी एक ऐसे नौजवान जो अफसर हुसैन नाम से, उनके वालदा भी साबिका में काउंसलर रहे, ये अक्सर सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के इनका पहले से हमेशा साथ रहा है। मैं सबसे पहले उन्हें माइक पे बुलाने से पहले एक शेर कहना ज़रूर चाहूँगा कि ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए इन्हें, अगर कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए इन्हें। सिर्फ सियासत और सोशल वर्क ही काम नहीं है इनका, अगर किसी के घर में सांप भी आए तो याद किया जाए इन्हें। मेरी मुराद अफसर हुसैन से है। अक्सर इन्हें स्नेक के ताल्लुक से, जब भी लोग अगर किसी के घर में सांप आए तो लोगों में बहुत सा डर पैदा होता है, मगर ऐसे डर के वक्त ये 24/7 हमेशा कभी भी आप कॉल करते ही आपके पास पहुंचते हैं। मैं सबसे पहले तो ATV उर्दू में अफसर हुसैन का खैर मकदम करता हूं। अफसर भाई, ATV उर्दू में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसर हुसैन है। शौक है या हॉबी है या मेरा ये जो मेरा 9th स्टैंडर्ड के एंडिंग से शुरू करके आज तक जो है 31 साल हुआ, 30 साल ख़त्म हो गए, 31वां साल चल रहा है। ये पहले से मेरे को ये सांप के बारे में उसका ख्वाहिश रखते हुए उसको पूरा देख के पढ़ के उसके बारे में ट्रेनिंग लेके समझ के फिर उसके बारे में पूरा जानकारी लेने के बाद उसको पकड़ना शुरू किया। उसके बाद आज तक ये सफ़र यहाँ तक आया है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे को एक दफ़ा भी बाइट नहीं हुआ सांप का। अंदाज़ा आज तक आप कितने सांप पकड़े होंगे? अंदाज़ा नहीं, मैं ये सब रिकॉर्ड्स रख के तो अच्छा रखा हूँ। जी बिल्कुल, रिकॉर्ड कल जो रात में आप पकड़े उसका भी आप रिकॉर्ड लिखते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये अब तक आज तक अभी जब तक आपके सामने नहीं आया जब तक 28,024 सांप हुए मेरे। तो ये सांप आप पकड़ने के बाद कहाँ ले जाके छोड़ते हैं? ये फॉरेस्ट में, हम फॉरेस्ट वाले को साथ में लेके, एक गेस्टेड ऑफिसर रहते हैं और फॉरेस्ट वाले रहते हैं, कोई गेस्ट रहते हैं, उनको लेके जाके हम फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। ये तो मैं 1-2 साल से देख रहा हूँ कि आप फॉरेस्ट ऑफिस में ले जाके छोड़ रहे हैं गेस्टों को लेके, मगर इससे पहले 10-15 साल पहले वगैरह आप कहाँ जाके छोड़ते थे? इससे पहले भी हम फॉरेस्ट में जाके छोड़ देते, क्या है इससे पहले ये सोशल मीडिया नहीं था, ये सोशल मीडिया के वजह से हम किधर छोड़ रहे, किसको ले जाके छोड़ रहे, ये मालूम नहीं होती थी लोगों तक। मगर लोग तो सांप को इतना डरते, मगर आप सांप को बेबाकी से पकड़ते, इसमें आपको कभी डर नहीं हुआ? सांप से तो हर कोई डरना है, डरना बोले तो अभी देखो सांप और कैंसर, ये दो चीज़ों का नाम जो है, ये दो चीज़ भी मेरे ज़िंदगी में है। जैसे कि 2012 में मेरे को कैंसर हुआ था, अल्लाह फजल से वो कैंसर भी मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, सबके दुआएं है, घर वालों का साथ है, फिर वो जैसे मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया। और कैंसर और सांप ये दोनों चीज़ क्या है, ये सिर्फ नाम से डर है, इसको अगर सही माने में अगर देखा जाए तो कैंसर भी रंदे सांप भी रंदे, अगर उसको हम कैसा टैकल करना अगर कर लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशक ये सब चीज़ हम कर ले सकते हैं। आपके हिसाब से कितने वैरायटी के सांप देखे आज आप? अब तक देखो मैं अभी मेरे पास इधर हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में अभी 33 से लेके 35 स्पीशीज इधर अब तक हमार को मिले, मेरे को अब तक मिले से ये 30 साल के सफर। रायचूर शहर में जाते हैं सर्विस के लिए क्या अक्सर, कहीं भी दूसरे गांवों को भी जाओ? रायचूर बोले तो रायचूर तालुका में तकरीबन 40-50 किलोमीटर तक हम लोग गए अब तक, और इसको छोड़ के अलग अलग तालुक में अभी हमारे पूरा एक ग्रुप हो गया है, ये
फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ बोल के एक सोसाइटी बनाई से, वो सोसाइटी में हमारे पूरा ग्रुप में जो है पूरे लोग मिल के काम कर रहे हैं। मेरे ग्रुप में जो है 14 लोग हैं अभी मेरे सोसाइटी में, तो आप अंडर उन 14 मेरे लोगों ट्रेनिंग को में। भी ट्रेन करें। बिल्कुल ट्रेन लिए से वो ट्रेनिंग में है, और ये जो भी ट्रेनिंग रहता है ये है ना अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहता। अभी कभी भी कोई भी सर्प मित्र मतलब सांप पकड़ने वाला पूरे हिंदुस्तान रहो या दुनिया में जिधर भी सांप पकड़ने वाला है, हम ये कभी नहीं सुनना कि हम इतने साल से पकड़ रहे, इतने साल से हम कवर कर रहे तो सांप को हम इजी से हम ले सकते, बल्कि जब भी हम रेस्क्यू को जाएंगे पकड़ने के लिए जाएंगे ये सोच के जाना कि ये हमारा पहला सांप है जिंदगी का। अच्छा, जो लोगों को भी आप, जो नौजवानों को जिनको भी आप ट्रेन कर रहे हैं सांप की, उनको कभी गलती से सांप डसया? हाँ हो गया ऐसा, एक वाकया हो गया से, रामपुर का एक बच्चा है उसके साथ हो गया। ये क्या है, ये मिसयूज़, हम जो ट्रेनिंग देते हैं जो तरीका बताते हैं वो तरीके से इसको अमल करे तो अच्छा रहता है। इसको ये तरीके के अलावा हम दूसरा तरीका अगर अपनाए, अभी जैसे कि हम रेस्क्यू करने के बाद बैग के लिए एडवाइस करते, डब्बे के लिए एडवाइस नहीं करते, तो रेस्क्यू बैग रहता थ्रू पाइप, वो रेस्क्यू बैग में थ्रू पाइप ही हम सांप को डाले तो जो भी वेनमस है तो बेहतर रहता। अगर इसको छोड़ के हम डब्बे में डालने जाएंगे तो ये प्रोफेशनल नहीं कहलाते, तो ऐसा हादसा होने का चांसेस रहते। तो अब जितनों को भी आप ट्रेन कर रहे हैं या जो भी आपके साथ ट्रेन हो रहे हैं, उन लोगों को भी या जो कुछ भी आपके पास सामान है उसके इसके लिए आप खास तौर पर उनको भी वो अरेंजमेंट करके देते हैं क्या? उन्होंने खरीद लेते हैं उसको? अभी हर जगह पे हर रेस्क्यूअर जिधर भी हमारे हिंदुस्तान में जो भी रेस्क्यूअर है जो भी ट्रेनिंग करा रहे वो ट्रेनिंग का फीस लेते, मगर आज तक मैं ना ट्रेनिंग का फीस लिया ना रेस्क्यू जिधर भी पकड़ता हूँ 1 रुपया आज तक किसी के पास नहीं लिया। अब जो भी मेरे पास सीख रहे उनको मैं सामान भी मैं अपने तरफ से मैं जो भी हुआ मुख्तसर उसको कम से कम खर्चे में या बना के या रेडीमेड मंगा के देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये पूरे 14 लोगों में 4 लोगों तक मैं दिया, अभी बाकी के लोग हैं जैसा जैसा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे जैसे पैसे आएंगे वो हिसाब से काम करूँगा, क्योंकि मेरे पैसे से ही मैं ये सारा काम करना पड़ता है, अच्छा, मेरे को आप जब अलग से सांप कोई देने पकड़ने वाला नहीं। जाते करते हैं ना, अक्सर लोग कुछ देते या आपकी तरफ से कुछ उसका अमाउंट रहता क्या? इतना देना हमारे पड़ेगा तरफ से तो आज तक कुछ भी अमाउंट कई हुए नहीं तो? है। अक्सर मैं देखता था बचपन में, जब हमारे बचपन में सांप पकड़ने वाले रहते थे, अगर घरों को आए तो उन्होंने बाजब्ता उनको कुछ फीस दी जाती थी। ऐसा भी होता था पहले, चंद लोग हैं मुझे भी याद है उनके घरों को जाके ढूंढ को लाते थे सांप पकड़ने को वास्ते। ऐसा कुछ लोग आपको या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या बड़े बड़े ऑफिसों में आप पकड़े तो उसका भी कुछ पेमेंट हुए रहता क्या आपकी तरफ से? मेरी तरफ से आज तक ना तो गवर्नमेंट ऑफिस में ना गरीब के पास ना अमीर के पास किसी के पास पैसा नहीं लिए, वो लोग खुद से देने आए तो भी आज तक नहीं लिए। मगर अभी जो सोसाइटी के थ्रू हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ये सोसाइटी को हम रन कराने के लिए हम ये सोसाइटी को चैरिटी कोई भी करना चाहे तो कर सकते, क्योंकि इक्विपमेंट्स और ये हमारे खुद के सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो सारे लोगों को इक्विपमेंट्स हो जाते हैं। और हमारा अखराज जो भी है, जैसे कि मान लो किधर भी रेस्क्यू को जाते हैं उधर सांप पकड़ने जाते हैं बोले तो खुद का पेट्रोल डाल के जाते हैं, सांप लेके आके हम हमारे पास रख के 2-3 दिन जो भी स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज करने के बाद उसको फिर ले जाके जंगल तक हम ले जाते हैं, ये हमारा खुद का खर्चा रहता। ये सो भी खर्चे के लिए हम लोग कुछ भी अगर कोई डोनेशन दिया तो ये सब अभी बचे सो जो भी अभी 8-10 इक्विपमेंट्स है वो मंगाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो ट्रेनिंग आप दे रहे ना, ऐसा दूसरे जगह दूसरे शहरों में स्टेटों में भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है? बिल्कुल देते, बिल्कुल जो भी रेस्क्यूअर है जो अच्छा परफेक्ट रेस्क्यूअर है वो पूरा उसको जानकारी लेने के बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये सांप के बारे में सिर्फ जानना एक ही ज़रूरी नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं सांप पकड़ लिया तो इन्हें परफेक्ट है, पकड़ना नहीं, पकड़ने के अलावा सांप के बारे में मालूमात भी रहना कि कौन सा सांप क्या है, कौन सा जहर है, क्या कर सकता, आपके कैसा। हिसाब से सब में जहरीला सांप कौन सा है?
अभी हमारे हिंदुस्तान में सब में जहरीला कॉमन क्रेड बोल के, ये अक्सर कहाँ रहता है हिंदुस्तान में, कौन से शहर में, कि कौन सी जगह पे ज्यादा मिलता है? ये हमारे बदनसीबी है रायचूर की के हिंदुस्तान के जो चार जानलेवा सांप है वो चारों भी जानलेवा सांप हमारे रायचूर में मौजूद है। क्या इसकी वजह? इसकी पहाड़ी वजह इलाका या पहाड़ी गर्मी? इलाका और गर्मी, ये दो चीज़ है। तो दूसरे जगह, जहाँ दूसरे भी कई एक राजस्थान जैसे गर्मी के इलाके हैं ना, वहाँ पर ये सांप नहीं मिलते क्या? मिलते वहाँ भी मिलते राजस्थान में मिलते ये जो यानी इसका अभी, मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी रहती वहाँ बिल्कुल के बिल्कुल जहरीले सांप मिलते, बिल्कुल ठंडी गर्मी। जगहों पे नहीं हाँ मिलते, जैसे कि बेंगलोर ऊटी जैसे नहीं नहीं शहरों नहीं में नहीं नहीं रहते, नहीं मिलते तो वो ज़्यादा जहरीले नहीं होते। अभी ठंडे जगह पे। अभी जो भी ये हमारे हिंदुस्तान के जो चार जहरीले सांप बोल रहा हूँ मैं, कौन से चार जहरीले? ये चार जो है, पहले कॉमन क्रेट, दूसरा रसल स्वाइपर, तीसरा स्पेक्टिकल कोबरा और चौथा जो है स्वास्केल वाइपर। अभी ये चार में स्वास्केल वाइपर बहुत कम जगह पे मिलता है, स्वास्केल वाइपर कम जगह पे मिलता है। जैसा आप बोले राजस्थान में मिलता है, इधर मिलता है, थोड़े बहुत जगह आंध्रा के, थोड़े बहुत जगह मिलता, थोड़े बहुत महाराष्ट्र में मिलता, ऐसा बहुत कम जगह पे है जो स्वास्केल वाइपर मिलता। ये उसमें से एक ये हमारी जगह भी है जो चार भी जानलेवा सांप इधर हमारे रायचूर में है। मगर बाज लोग तो बोलते हैं कि कोबरा जहरीला नहीं रहता, बस वो लपट कुछ लोगों की जान ले लेता, घट्टा इस तरह जैसा फंदा लपटते नहीं वैसा नहीं गले कोबरा को नहीं है पीट। वो इंडियन रॉक पैथन, वो जो लपट के जान लेने वाला इंडियन रॉक पैथन, वो क्या है, वो जहरीला नहीं रहता, वो अपना जो भी ताकत रहता है वो ताकत से पूरा इंसान को लपट के उसको प्रेस करके, उसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुए ब्रीथ नहीं लिए जैसा, उसको प्रेस करके उसका जान लेता, मतलब इंसान ने कोई सा भी जानवर से लेके इंसान तक भी, अगर बड़ा रहे तो इंसान तक। तो इसका मतलब आप ये 24x7 सर्विस, आधी रात को भी अगर 3-4 बजे भी कोई बुलाए तो आप चले जाते? बिल्कुल जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ सवाल क्या है, सांप तो बचाने का बाद में, पहले इंसान के बारे में सोचना पड़ता, तो इंसान पहले रहता है, इंसान को पहले बचाने का ख्याल दिमाग में रखते हुए तो पहले हम इंसान को बचाने की कोशिश में हम जाना पड़ता, तो पहले इंसान बाद में सांप। अच्छा, हम पहले अक्सर सुनते थे कि सांप बदला लेता, जैसे कि फिल्मा भी आते थे पहले, नागिन जैसे फिल्म में सांप को अगर मारे करे तो उसका मेल फीमेल रखो, फिर उन उसका बदला लेता, कई लोगों को उसकी आंखों में उसकी तस्वीर नजर आती, ये किस हद तक सही है अफसर? अभी सांप बहुत से लोगों को ऐसे बहुत कन्फ्यूजन्स है कि सांप कितने साल तक दावा रखता, दावा रख के बदला लेता। अभी हर इंसान से लेके जानवर में दिमाग के साथ, दिमाग में एक चीज़ रहता है सेरिबल हेमिस्फीयर बोल के, एक हिस्सा है वो सेरिबल हेमिस्फीयर, वो हिस्सा जो है सांप में नहीं है, सांप में नहीं है। वो हिस्सा क्या है, जसले के मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड हार्ड डिस्क, जो भी हम हमारा जो भी हम कर रहे हैं करने जा रहे हैं आगे, वो सभी जो स्टोरेज है वो स्टोरेज सांप के पास नहीं रहता, तो इसका तो मतलब इसीलिए सांप सांप के दावा पास नहीं रखता, दिमाग क्योंकि नहीं रहता? दिमाग रहता, दिमाग में एक हिस्सा रहता है सेरिबल हेमिस्फीयर बोल के, वो हिस्सा सांप के पास नहीं रहता, तो इसीलिए सांप के पास यानी स्टोरेज कोई नहीं रहता। चीज सेव नहीं करता? यस 100% सेव नहीं रहता, स्टोरेज नहीं होता, तो तो जैसे कि अब कबूतर या कुत्ता, कोई भी जानवर को हम ये घर में पालने के बाद छोड़ कर आए वो तो वापिस आता, सांप को अगर यहीं पाले तो छोड़ दिए तो वो वापिस नहीं आ सकता? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और सांप का किधर भी, सांप स्टेबल एक जगह पे नहीं रहता, सांप का घर एक जगह पे नहीं रहता, और सांप कोई सा भी सांप फैमिली में नहीं रहता, ये सांप का फैमिली नहीं रहता, बीवी बच्चे ये पूरा, ये मेरे बच्चे है ये मेरा फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं सांप में, क्योंकि पहली बात स्टोरेज नहीं रहता, वो जैसे उसका फैमिली कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता। आपके हिसाब से आप आज तक कितने सांप पकड़े, कितने वैरायटी के सांप पकड़े हैं अंदाज? यही 33 से 35 वैरायटी मैं पकड़ा सो। अच्छा, पानी के भी चंद सांप हाँ रहते हैं, पानी के पानी भी में भी बोल पकड़े आप कभी? जी, पानी के भी मिले बहुत से। अच्छा, अक्सर लोगों का कहना रहता है कि पानी के सांप कुछ भी जहर नहीं रहता उनके अंदर, अगर तैरते वक्त कहीं किसी को काट भी लिए तो उसका जहर नहीं चढ़ता, इसके बारे में कुछ? नहीं 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 ये गलत बातें हैं, सारे जहरीले सांप भी पानी में रहते हैं, पानी में हमेशा के लिए नहीं, पानी का सांप हमेशा पानी में ज़्यादा दर रहता है,
ये बाकी के जो जहरीले सांप जो जमीन पे रहते हैं वो भी पानी में रहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी में जो भी सांप काटा है बगैर जहरीला, जहरीले सांप भी पानी में रहते हैं। अच्छा, सांप काटे बाद इसकी दवा भी क्या तो आपके पास रहती क्या? दवा कुछ भी नहीं रहती, सांप काटने के बाद सिर्फ एक ही एक इलाज है उसका, एंटीवेनम। ये एंटीवेनम जो है हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इधर अवेलेबल है। अक्सर बाज लोगों का कहना रहता है कि सांप काटने के बाद कोई आदमी सोना नहीं पूरी रात, अगर उन बाई चांस रात में या सांप काटने के बाद सो गया तो फिर उसे होश जल्दी आती नहीं या फिर उसकी जान को खतरा होता, ये भी सही है क्या बात? बिल्कुल सही बात है। सोना नहीं किस लिए बोले तो, सोने के बाद क्या होता है, ये हमारे बीपी हार्ट पल्स के ऊपर ये सभी जहर का असर होता है। ये बीपी और हार्ट पल्स हमारे जितना तेज रहेंगे, खून का दौरान हमारा कितना तेज रहेगा, वो हिसाब में जहर का असर इंसान को होगा। इसलिए कि पहले हमारे एरिया में देखता था मैं, अगर किसी को सांप काटते तो टीवी वगैरह या कुछ प्रोग्राम मनोरंजन करके उनको हर हाल में जगाया जाता था ताकि वो सो गए तो फिर उनको खतरा होता उनको। नहीं, अगर जगाया जाता था, ये पहले के बहुत से चीज़ें हैं, पहले जो है सांप जहरीला है बगैर जहर वाला ये मालूम नहीं होता था, कोई सा भी सांप काटो जगा लेके बैठ देते वो चल जाता था। अब भी ऐसा नहीं है, जहरीले सांप अगर काटे इसमें कुछ भी टाइम, कोई भी परफेक्ट टाइम बाउंडेड नहीं है, कोई सा भी सांप काटो, क्योंकि पहले चीज़ सांप के ऊपर रहता, दूसरी चीज़ इंसान जो इंसान को सांप काटता, और तीसरी चीज़ किधर काटा, ये तीनों चीज पे ये सब डिपेंड रहता। जिस्म के कौन से हिस्से पे अगर सांप काटा तो ज्यादा जहरीला रहता, ज्यादा खतरा रहता? ज्यादा खतरा ये अपर पार्ट, कमर के ऊपर के हिस्से में, जब भी अवॉइड करेंगे ये अपर पार्ट में हमारे को खतरा रहेगा। क्या उसकी कोई खास वजह? ये हार्ट और ब्रेन तक जल्दी जाता है जहर। अच्छा, तो हार्ट और ब्रेन मेन इम्पोर्टेंट होता जी है, बिल्कुल, अगर उस पे उसका इफेक्ट हुआ तो बहुत जल्दी इंसान को जान क्यों को बोले तो खतरा ये रहता। जहर जो है, ये जहर जो है खून में जाने वाली चीज़, खून की रफ्तार हमारे कान तक जाती है, मतलब ब्लड ब्लड जो है हार्ट हार्ट तक जाने के बाद, हार्ट पल्स को दो वेनम रहते, एक ये इसके पूरे हमारे हिंदुस्तान में जो भी सांप है इसमें दो टाइप के वेनम्स आते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक आता है एक इमोटॉक्सिक आता है। ये न्यूरोटॉक्सिक क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिक जिसको भी बाइट हुए रहता है खून को जमा देता, फ्रीज कर देता है, और जो इमोटॉक्सिक जहर रहता है अगर वो सांप अगर किसी को काट लिया, खून को पूरा पतला पानी के जैसा करके जो भी इंसान के हिस्से है वो हर हिस्से में से खून बहना लगता है। आपका थोड़ा हाथ बताओ। अक्सर हमारे बचपन में कई बड़े लोग बोलते थे, हमारे नानी जो भी बुजुर्ग हजरात रहते थे बुजुर्ग घरों में, कि किसी के हाथ पे अगर फन या किसी के हाथ पे अगर कोई वो काला टीका वगैरह है तो उनको सांप नहीं काटता, ये बात किस हद तक सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, या किसी ऐसा के पेशानी पे अगर कुछ है तो उसको भी सांप नहीं काटता बोलते थे? पहले अगर कोई सांप पकड़े तो बोलते थे नहीं उसके हाथ को कोई फन नहीं इसलिए उसको सांप नहीं काटा, क्या ये वाकई में सही है? कुछ भी नहीं है, ये सब भी पहले मनगढ़ंत जमाने से बातें। जो, हाँ, मनगढ़ंत बातें जो पहले से चलते आ रहे हैं वही है ये, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सांप हर एक को काटता है, ऐसा जरूरी नहीं है किसी के हथेली में फन रहता, चील रहती या कुछ टीका रहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। सांप नहीं काटने की वजह क्या है बोले तो, हम एहतियात के साथ सांप पकड़ते, उतना ही एहतियात जो नहीं बरतते उनको सांप का बाइट हो सकता, तो इसीलिए अभी तक मेरे को सांप का बाइट नहीं होने की वजह क्या है, हम जब भी हम रेस्क्यू जाते, बोल रहा हूँ ना, फर्स्ट हमारा सेफ्टी हम देख लेना, हमारा सेफ्टी हम देख लिए तो हम लॉन्ग टाइम तक, हमारा जान रहे तक हम किसी की हम खिदमत कर सकते, सांपों को पकड़ सकते, हम रहे तो सांप पकड़ सकते, अगर बैठ हो गया हम, हमारा अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हम सांप क्या पकड़ेंगे, तो उसका इसीलिए कोई पहले सेफ्टी मंत्र या देखना। उसकी कोई दुआ क्या तो है क्या? बहुत से चीज़ां, बहुत से अभी देखिए मुसलमानों में बहुत से दुआएं हैं, वैसे हर कौम में अपने अपने दुआएं हैं, मगर ये दुआ अलग जगह पे, ये हमारा काम अलग जगह पे। सांप काटने के बाद सिर्फ एक ही एक उसका इलाज है, एंटीवेनम। एंटीवेनम जो सांप के जहर से ही बना रहता वो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इधर, तो एंटीवेनम लेने के बाद ही इंसान की जान बच सकती है। अक्सर बाज लोग ये भी बोलते कि सांप
के कई एक रूप रहते, सांप का कई एक, वो सही है क्या रूप रहने का? ये सब गलत चीज है। सांप का रूप रहता, सांप आप को कभी कोई ऐसा सांप देखे जो कोई भी रूप धारण कर रहा, ऐसा कोई ना जैसा देखा ना फिल्मों में कोई रहता आसक देखे। श्रीदेवी अक्सर नागिन फिल्मों बिल्कुल में बिल्कुल, उसमें? ये सभी बोल रहा हूँ ना मनगढ़ंत बातें हैं, ये पुराने जमाने से चलते आ रहे, ये सिर्फ हमारे को फिल्मों में टीवी पे देखने को मिलता, ये सब गलत बातें हैं। सांप में वो हीरा रहता, वो कंकर रहता, और बहुत से चीज़ें हैं इसके बारे में मनगढ़ंत बातें मेन हैं। जो ये डायमंड रहता वो सांप अपने इसमें रखता बोलते, वो भी जी जी सही है क्या? बिल्कुल, वो ये सब गलत बातें हैं। अच्छा, और एक खास बात कि बाज लोग अक्सर, हमारे बड़े बड़े लोग कहते कि सांप अगर कहीं दिखा तो पहले उसको मारने से पहले 3 बार बोलना, अगर सांप है तो ठहर जा, जिन है तो चला जा, सांप है तो ठहर जा। क्या ये बात भी सही है? आप कभी ऐसा, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी वाक़या पेश आया? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी तीन खुल के साथ मैं सांप पकड़ने से पहले ये पढ़ के वही सवाल रखता हूँ मैं, अगर सांप रहे तो रुक जा, अगर जिन्नात रहे तो चले आप जा। 28,000 करीब सांप पकड़े, आपकी नज़र में कभी कोई सांप ऐसा मिस हो को चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाने से पहले बहुत से ये पढ़ के ही जाता हूँ, अगर उधर नहीं मिल गया तो शायद शायद हो सकता। नहीं, आपको दिखने के बाद या आप पकड़ने के बाद वो गायब हो नहीं नहीं गया ऐसा पकड़ने के कुछ? बाद कभी भी नहीं, क्योंकि पकड़ने से पहले जब भी मेरे को सांप के लिए या तो कॉल आता है या तो कोई बुलाने आते, ये वो जगह पे पहुंचने से पहले ये पढ़ लेके ही ये सवाल रखता हूँ मैं जगह से पहले। नहीं, मैं वो नहीं बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सांप अगर आपकी नज़र में है सामने, अगर उसको देख को आप कभी ये पड़े वो गायब हो गया ऐसा कुछ नहीं आया नहीं नहीं आपके नहीं पास, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। ऐसा कोई एक बड़े एक सांप जो कदीम रहते ऐसा कोई आपको नज़र में? बाज़ लोग बोलते थे सांप को ऊपर अगर कुछ बाल विल है तो वो बहुत कदीम सांप है, वो ऐसा है, उसकी एक हिस्ट्री रहती, उसको छीने जाना नहीं, ऐसा कुछ बोलते। ये इस हद तक आपकी नज़र में ऐसा कोई सांप आया? अभी तक कोई सा भी सांप ऐसा नहीं है ना, तो मैं समझता हूँ होगा, क्योंकि हम लोग अभी जो जनरेशन में रह रहे, पहली चीज़ हम साइंस को हम देखते हुए साइंस को फॉलो करते हुए जा रहे, सांप का जिस्म जो है वो जिस्म में बाल कभी भी नहीं उगते। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बूढ़ा सांप इतने बाला वाला मेरे को इधर दिखा उधर दिखा, सांप का जो जिस्म है जो स्किन है वो स्किन पे जो है बाल उगते नहीं, ये साइंस प्रूव किया सो। हाल ही में एक व्हाट्सएप पर फोटो आ रही थी, शायद दूसरे कंट्री की थी, वो सऊदी की थी, कहाँ नहीं मालूम, रेगिस्तान में करीब 100 फीट बड़ा सांप जा रहा था। इतने बड़े भी सांप रहते? अभी तक किधर भी सांप मिला नहीं हिस्ट्री में। ये जो है अभी बेकार बैठने वाले वो क्रिएशन ज़्यादा कर लेके बैठते हैं, क्रिएशन करके अभी ये दौर ऐसा है, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर ये सब चीज़ें दी है, बेकार बैठने वालों के लिए ही है ये सब। तो ये बेकार बैठने वाले क्या है, वो 100 फीट भी बना सकते, 200 फीट भी बना सकते। आपके हिसाब से आप कौन कितना बड़ा सांप पकड़े? अभी तक देखो मैं यहाँ एक इंडियन रॉक पैथान बोल के जो अजगर के नाम से जाना जाता, वो 14 फीट तक मैं इधर पकड़ा इधर। तो वास्तव एक डायलॉग भी रहती थी फिल्मों में, असगर हूँ मैं ढसता नहीं निगल जाता हूँ, ये बात सही है क्या? असगर असगर अक्सर अक्सर निगलता क्या, 100% ढसता नहीं? डसता नहीं, डसता नहीं मतलब एक वो प्रेम क्यों बोले चोपड़ा की एक तो फेमस डायलॉग थी ये। बिल्कुल, अजगर जो है वो सिर्फ निगल सकता हो, क्यों डसता नहीं बोले तो उसमें जहर नहीं पाया जाता, वो सिर्फ उसके दांत जो है 80 से लेके 100 दांत तक उसमें रहते अजगर में, और वो दांत का जो भी उसका ज्वार रहता, डबल ज्वार रहता उसका, अजगर का डबल ज्वार रहता, और उसका उसका जो भी साइज रहता अजगर का 3 गुना ज़्यादा बड़े चीज़ को उन्हें खा सकता। अक्सर व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे फोटोज आ रहे थे कि बड़े बड़े बच्चों को, बड़ी बड़ी लड़कियों को सांप निगल रहा, उसको फाड़ के चाइना में उधर से निकाल रहे कर रहे, वो भी किस हद तक सही है? वो उतना बड़ा एक आदमी को सारा निगल सकता हूँ पूरी तरह से? बिल्कुल निगल सकता है ऐसा नहीं बल्कि भी मैं कह नहीं सकता, ये सांप के साइज के ऊपर हो सकता, क्योंकि अभी देखो मैं एक दफ़ा एक सांप पकड़ा था अजगर, जो कि मेरे सामने ही वो बंदर को पकड़ के खा रहा था, बंदर को निगल रहा वो हाँ बंदर को निगलने की कोशिश कर रहा था,
वो सांप का सही जाके आपको तकरीबन 8.5-9 फीट था उतना ही। तो इधर तवज्जो चाहता हूँ सर, खास तौर पे लोग बोलते हैं सांप चूहा या कोई चीज खाने के बाद जहाँ रहता वहीं रहता, आगे जा नहीं सकता। कितनी देर तक ठहरता हूँ सांप, अगर चूहा या कोई चीज उसको खाने की मिली समझो, अगर वो निगल लिया तो वही जगह पे कितनी देर ठहरेगा आपके हिसाब नहीं से? नहीं अभी कैसा है, अभी जो भी चीज़ को सांप खा रहा है वो ऐसा सांप ऐसी चीज़ है, उसको अल्लाह ताला उसको हाथ वगैरह नहीं दिए सर, मुंह से लेके उन निगल के अपने पेट तक जाने तक उधर ही रहता, पेट तक वो पीछे वो हिस्से को ले लिया, चूहा मेंढक छिपकली जो भी खाओ अंडा ऐसी चीज़ा या चंद सांप सांप को खाते, ये खाने के बाद वो हिस्से को पीछे लेने के बाद वो उधर से निकल जाता, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि खाने के बाद उधर ही रहता है वो। सांप की रफ्तार आपके हिसाब से ज्यादा कितनी तेज रहेगी? सांप की रफ्तार देखो इंसान से कम है, मगर ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में रैट स्नेक जो धामिन के नाम से जाना जाता है उसको बहुत से हमारे रेस्क्यूअर्स उसको रफ्तार के नाम से पहचानते हैं, धामिन जो सांप है उसका सांप का नाम ही दिए से रफ्तार, वो सांप एक ही आपकी थोड़ा हमारे जिंदगी में हिंदुस्तान कभी में ऐसा तेज। वाक्य आया कोई सांप के पीछे भाग को पकड़ना पड़ा वो आपको? बहुत से वाक्य हुए, बहुत से वाक्य हुए, बहुत से जगह में ऐसा सीन क्रिएट होता है, भागना पड़ता, भाग के चेस करके पकड़ना पड़ता, गिरना पड़ता, ये होते ये वाक्य होते, ये रफ्तार जो भी ये रैट स्नेक के नाम से जाना जाता है ये सांप के साथ। अब अक्सर किसी के घर में सांप आ गया, समझो मेरे घर में 3 दिन पहले आया था, मुझे नजर आ गया, मगर मैं देखे देखे तक चले गया, अगर किसी को बुलाए तक, फिर अब तक उसका पता नहीं हो कहाँ है, फिर भी घरों में एक डर रहता, वो लोग क्या करना है इसको? नहीं, डर तो अभी सांप एक दफ़ा सांप दिखने के बाद जब तक उसको कोई रेस्क्यूअर आके पकड़ के नहीं ले जाता वो डर बनाया रहता है थोड़े दिन तक, और ज़्यादातर सांप कोई सा भी सांप रहने एक ही जगह पे स्टेबल नहीं रहता, हाँ वो नहीं, स्टेबल कब रहता या तो वो अंडे देते समय या नहीं बोले तो बच्चे डालते टाइम पे, कितने दिन स्टेबल रहेंगे अंदाजा? वही 1-2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन बस वो इतना है। मैटरनिटी होम की तरह दो यस तीन दिन बिल्कुल, रहता। वो टाइम में ही उधर रह सकता, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता, कोई सा भी सांप एक जगह पे स्टेबल नहीं एक रहता। जगह पे नहीं रहता, मगर बस जगह वो राउंड होके चुंबल मार को बैठते ना, नहीं, वो ये सब कितनी देर बैठ सकते हो ना? चुंबल मार के बैठने का किस लिए, ये अभी बहुत से लोग ये समझते हैं सांप अंडे देने के बाद सांप अंडों को सेकते बैठता, सांप भी अंडों को सेकते नहीं बैठता, सांप जो है अंडे देने के बाद उधर से निकल जाता, तो सांप जो जिधर भी अंडे देता वो टेम्परेचर सेलेक्ट करके उधर ही अंडे देता। ज़्यादा गर्मी में यस गर्मी में, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं ज़्यादा सर्दी नहीं, तो आप भी बिलो स्नेक ट्वेंटी सेवर के बिलो नाम से ट्वेंटी बहुत एट जाने डिग्री के टेम्परेचर में वो आप देता है। भी स्नेक सेवर्स के नाम से बहुत जाने जाते हैं। अक्सर परसों भी हाल में आप 14 अंडे कुछ लेकर के फिर उसको सपोलों को सांप बना के, शायद वो आपके पास ही छूंगे, बढ़ रहे होंगे ऐसे। आज तक आप कितने अंडों को सेव करके बड़ा करे उसको सांपों? बहुत से अंडों को करा मैं, अभी ये सब आदमियों तक यही बोला ना, ये व्हाट्सएप फेसबुक ये सब आने के बाद ही सब लोगों को मालूम हो रहा ये चीज़ कर रहे ये हो रहा है, बल्कि इससे पहले पहले से कर रहा हूँ मैं, मगर क्या मालूमत अब हो रही उतना ही। मगर आदमी खाली दोस्तों को या किसी इंसान को भी अगर क्या बोलना रहे तो तेरे को सांप को पाले सर का सपोल, सांप का बच्चा है सपोला बोलते, वो तो एक महावीरा है, मगर आप तो अक्सर सपोलों को पालते, इसके बारे में खास कुछ बात? मैं कोसे भी सपोलों को भी नहीं पालता हूँ, सांपों को भी नहीं पालता हूँ, मैं इंसान से सांपों को भी बचाता हूँ और इंसानों को भी बचा के अपने घर में लेके आके फिर बाद में जंगल को ले गए तक मेरे पास। SP साहब, हमारे सर्कल फसीउद्दीन साहब, उमेश साहब, और परसों शायद 1-2-3 दिन पहले हमारे फेरोज हमराज, रफ़ी भाई, कई एक लोगों गेस्टों के साथ आप ले जाके छोड़ते, क्या ये लोगों को आप खास इनवाइट करते हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से इनवाते पुलिस वाले जैसे के? अभी बहुत से रिलीज में हमारे को क्या होता है, डिपार्टमेंट वाले तो हमेशा हमारे साथ आते हैं, डिपार्टमेंट के अलावा गेस्ट जो भी गेस्ट रहते हैं
थोड़े तो यही पूछना चाह रहा हूँ मैं, गेस्ट को आप इसलिए बुलाते क्या, उनका डर जाना बोल के बुलाते क्या, उनको सेव करो बोल के बुलाते नहीं, सांप को? अभी अभी गेस्ट भी हम जो बुलाते हैं ना, गेस्ट भी हमारे को क्यों बुलाना पड़ता, एक चीज़ ये सांपों का जो भी आज तक हम ये मेरा जो सिलसिला चल रहा है, हमारा इंटेंशन हमारा मकसद ये है कि सांप को कोई मारना नहीं, सांप से डर उड़ना। मैं डर उड़ना मतलब ये नहीं है कि सांप को पकड़ो बोल के, मैं ये एडवाइस कभी नहीं करता। सांप के बारे में मालूम मत रहना, सांप क्या चीज़ है, हमारे नेचर में इकोसिस्टम में क्या उसका रोल है, ये मालूम होना। ये मालूम होना क्यों बोले तो, ये गेस्ट उधर आने के बाद थोड़े चीज़ हमारे तरफ से उनको मालूम होती, गेस्ट को भी मालूम होती, वो गेस्ट के साथ साथ गेस्ट के साथ जो रहते हैं उनके फॉलोअर्स, गेस्ट को चाहने वाले, गेस्ट के दोस्त रिश्तेदार, ये लोगों तक वो बात पहुंचती। पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या भी इसकी फैसिलिटी नहीं रहती, जबकि आप अपनी जान को खेल को ये खतरों का काम करते, लोगों की जान बचाते, इसके तरफ से गवर्नमेंट भी कुछ आपको प्रोविज़न देना था या कुछ सपोर्ट करना था, ऐसा कभी आप गवर्नमेंट के सामने बात रखे? आपको शायद ज़रूरत नहीं होगी, जिनको भी आप ट्रेन कर रहे या आगे पकड़ने वाले होंगे उनको भी क्या तो भी एक सहूलत होना ना, जब उन्होंने अपनी जान को खतरे में डाल को दूसरों की जान बचाते, इसके वास्ते आप कभी डिपार्टमेंट या डीसी साहब के सामने बात रखें? अभी इधर से तो नहीं, पूरे कर्नाटक स्टेट के रेस्क्यूअर्स पूरे जो है हमारे स्टेट में वो शर्त रखे थे, एटलीस्ट हमारे को कंपनसेशन कुछ भी नहीं मिला तो एटलीस्ट अगर स्नेक बाइट होके अगर जान गए तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कुछ तो भी एक उसका इंश्योरेंस रहना बोल के, अगर ये हम डिमांड रखे काटा सर। तो हाँ, काट के उससे मौत हुई तो दूसरा हम मगर एक्सीडेंटली नहीं उसके मन रोज़मर्रा के नेचुरल नहीं मांग रहे, वास्ते, उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वास्ते क्या भी नहीं। नहीं। और एक बात, आप अगर सांप कोई जंगल में है या ऐसी जगह जहाँ पे हॉस्पिटल दूर है, वैसे जगह पे किसी को भी सांप काटे तो वो टाइम पे उन क्या करना अपनी जान बचाने के? बहुत अच्छा सवाल है ये। अभी देखो हॉस्पिटल का डिस्टेंस कितना है, एक चीज उसके ऊपर, दूसरा कौन सा सांप काटा, तीसरा कहाँ काटा। वो इंसान को हम अगर मान लो वो इंसान हमारे को टच में है, हमारे को अगर उन्हें राय के लिए फ़ोन किया या हमारे को मालूम हो गया हमारे डायरेक्शन पे लेंगा जाएंगा तो इंशाल्लाह उसकी जान बच सकती। जान बचाना मौत हयात सब ऊपर वाले के हाथ क्या में। डायरेक्शन आपकी? डायरेक्शन बोले तो अभी देखिए, अभी वहाँ से हॉस्पिटल आने तक क्या करना, अभी कौन सा सांप है पहले ये हम जानने की कोशिश करते। काला है या गोरा है या सांप, नाग हाँ सांप है बिल्कुल या? बिल्कुल, सांप क्यों बोले तो सांप के ऊपर ही हम थोड़े चीज़ हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप आने के लिए क्या करना, कैसा आना और क्या चीज़ करना क्या नहीं करना। पहली चीज़ सांप बाइट होने के बाद, अभी यही बोला ना मैं, बहुत से लोगों को ब्लेड से कट कर लेना वो रस्सी बांध लेना, ये सब भी गलत चीज़ हैं। ब्लेड से भी कट नहीं करना, रस्सी भी नहीं बांधना है। टूर्निकेट बोल के आता है जो चार उंगल का हिस्से में बड़ा जो स्क्रैप बैंड होता है, उसको आप ना तो फुल टाइट ना तो लूज, मीडियम टाइट में बांध के उसको जो भी हिस्से को काटा रहता है वो हिस्से को बगैर हिलाए के वहाँ से लेके आप हॉस्पिटल आए तक कुछ भी ना खाना ना पीना ना सोना, ये तीन चीज़ करते हुए हॉस्पिटल तक आप पहुँच सकते हैं। बस लोग वहाँ चूना लगाए, हल्दी लगाए, खींच करके कुछ रखते। भी नहीं लगाना। बहुत से लोगों का देखता हूँ ये चूना हल्दी लगाते, कोई नीम का पत्ता खिलाते, ये कुछ भी ना खिलाना ना पिलाना, बोलो ना, ना खिलाना ना बहरहाल पिलाना उसका बेस्ट ना इलाज सुलाना। मेडिसिन ही चाहिए। 100% बेस्ट इलाज नहीं है, 100% 100% मेडिसिन से ही उसका जान बच सकता है, दूसरा कोई सभी इलाज उसका नहीं है सांप का बाइट होने के बाद। ये मगर क्या है, फर्क क्या हो जाता इंसान को किधर बाइट करा वो इस पर डिपेंड रहता। अगर अपर पार्ट है तो टाइम जल्दी बहुत कम असर रहता, होता है, बिल्कुल टाइम कम रहता। अगर जल्द से लोअर जल्द पार्ट आने की है कोशिश बिल्कुल करना। बिल्कुल, जल्द से जल्द आने की कोशिश करना, वो इससे कुछ ज़्यादा हिलाना नहीं, मगर आने जाने में तो हिलता ना हूँ ऐसे। मैक्सिमम मैक्सिमम हिलाने की कोशिश नहीं करना। पहले के मान लो लोग अगर अक्सर हाथ ये है भी तो हाथ बोलते थे। को मूवमेंट नहीं करना, हाथ को ये पे एक जगह पे अच्छा, गले पे बांध ले सकते हैं, ऐसा अभी आप जो हाथ टूटे बाद बांध लेते हैं वैसा बांध लेके ये मूवमेंट नहीं होता। अगर आप ढीला छोड़ देंगे मूवमेंट होने के चांसेस रहते हैं,
तो उसलिए बांध लेने से मूवमेंट नहीं होता। पहले अक्सर लोग किसी को सांप काटा तो जैसा चूस को उसका जहर निकालते थे, ये किस हद तक सही है? ये खाली फिल्मों में सही है, अगर हकीकत में अगर ये करे तो ये बाय वन गेट वन फ्री बोले जैसा, अच्छा, वो तुम्हें तो जाने वाला भी देंगे, रहता। हम तो डूबे हैं, यस तुम्हें भी यस ले डूबेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोरोना वायरस कोविड को लेके सारी दुनिया परेशान है, ऐसे टेम्पो लोगों को जाने नहीं दे रहे लॉकडाउन में, ऐसे टाइम भी सांप आते होंगे, तो गवर्नमेंट आपको इसमें सपोर्ट कर रही है आने जाने के लिए, और ऐसे दिनों में आप तकरीबन कई सांप तो पकड़े छोंगे। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट बोले तो गवर्नमेंट का एक डीसी ऑफिस से एक कार्ड दिए से, परमिशन कार्ड बना के दिए से, वो कार्ड यूज़ करते हुए हम रेस्क्यू गुजारे। और ये अभी जो सिचुएशन है, ये कोरोना का सिचुएशन है, ये अनफॉर्चुनेट क्या है, दुबकाला है। ये दुबकाले में सांप भी ज़्यादा निकलते हैं, और एक क्या है, ये लॉकडाउन में आदमियाँ ज़्यादा रफ्ता, ये बाहर हलचल नहीं है। हलचल नहीं रहने की वजह से पहले तो धूप में ज़्यादा निकलते हैं, हलचल नहीं है और ज़्यादा हो गए सांप। तो यही वजह से कम दिन में 5 से 6 रेस्क्यू हमारे को आ रहे, हम जाके रेस्क्यू कर रहे। तो साइलेंट रहने से ज्यादा आ रहे बिल्कुल सांप? बिल्कुल, क्योंकि ये सांप जो है कोसे भी आवाज़ को नहीं सुनता, वो ज़मीन की आहट को सुनता है, तो ज़मीन की ज्यादा आहट को। साइलेंट रहने से और निकलते हो? बिल्कुल साइलेंट में बाहर आते और ये धूप में गर्मी लेने के लिए, क्योंकि सांप जो है ये कोल्ड ब्लडेड रहते सांप, ये गर्मी के लिए बाहर आते। ये बाहर आने के बाद और क्या है, इसको अभी वही बोल रहा ना, साइलेंट प्लेसेस जहाँ रहते वहाँ बाहर आ जाते अक्सर। अभी इसमें अब इंसान बाहर कम है, सांप ज़्यादा है। अच्छा, तो इनको लॉकडाउन इनका ओपन हो गया अभी? हाँ, इनका लॉकडाउन नहीं है, इंसानों का लॉकडाउन है ना, तो इंसान अंदर है, सांप बाहर है। ठीक है अफसर भाई, आखिरी खास बात, खास लोगों में खास बात, जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आपको एक ऐसी खास बात बोलिए जो लोगों तक इसका मैसेज जाए, और लोग एक एडवाइस समझिए कि लोग सांप के ताल्लुक से अवॉइड रहें, या सांप अगर आया तो समझो मेरे घर में सांप आया तो मैं किस हद तक उससे बचूं, या कैसा है, क्या मैं उसको देखते रहूं, या उसे किसी लकड़ी से अगर पकड़ सकूं तो उसके ऊपर लकड़ी डाल के पकड़ूं, या कोई एक ऐसी एडवाइस दीजिए कि लोग उससे महफूज भी रहें और जब तक आप पहुंच जाएं। बिल्कुल, अभी अक्सर हमारे साथ होता है, मेरे साथ हुआ, ये दूसरे स्टेट से दूसरे गांव से फ़ोन आते, जहाँ पे रेस्क्यूअर दूसरा रेस्क्यूअर नहीं रहता होगा, सांप है किधर है क्या है, वो फ़ोन के थ्रू जो मैं मालूम करता हूँ, या नहीं बोले तो वीडियो कॉल करे तो वीडियो कॉल के थ्रू देख लेके वो सांप के कौन सा सांप है, एक चीज़, दूसरा वो किधर है, वो सिचुएशन पे उनको सजेस्ट करके उधर से सांप को निकाल भी सकते हैं हम लोग। और आपकी कोई खास एडवाइस लोगों को? खास एडवाइस यही है, सांप को कोई मारना नहीं, क्योंकि सांप जो है हमारे नेचर में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम बैलेंसिंग में ये एक बहुत बड़ा रोल है सांप का। सांप अगर नहीं रहेगा तो इंसान भी नहीं रह सकते, क्या वजह है क्यों, इसकी? बहुत से वजह है इसकी। अभी जैसे अभी सांप के वजह से चूहे चूहे को सांप एक ही बिल तक जाके खाता, कोई बिल तक नहीं जा सकते चूहे को खाने के लिए, तो सांप को बिल तक जाके चूहे को बिल तक जाके खाने वाला सांप एक ही है। आप ये तो एग्रीकल्चर में लिख जा को छोड़ते ना सांप, जी जबकि हजारों 28,000 तक सांप पकड़े आप, कई सांपों को छोड़ते होंगे, तो उनके आजू बाजू जो अतराफ में ताल्लुक है देहात रहते हैं उसको क्या तो नुकसान नहीं हो सकता? कुछ भी सांप से किसी को नुकसान फायदा, अभी देखो सांप जिधर नहीं रहेगा वही नुकसान है, क्योंकि सांप बोल रहा ना मैं, हमारे नेचर के बेस्ट फ्रेंड्स है ये। और एक क्या है, जो भी एग्रीकल्चरिस्ट जो भी है, ये हमें सांप जो है ये फार्मर फ्रेंड बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड मतलब किसान मित्र। किसान मित्र क्यों बोले तो ये जो है उनके खेतों में चूहों को खा के खेत फसल को बचाने वाला सांप ही है। तो हर चीज़ जो खुदा की होती है बिल्कुल हर जगह बिल्कुल, कहीं ना बेशक कहीं बेशक, नुकसान क्योंकि भी। ये एक चीज़। और एक एक चीज़, जो भी बड़े बीमार है जो भी है, उसका इलाज जो है सांप के वेनम से ही, वो इलाज की दवाई बनती है।
आपके बाजू जो बैठे हैं आपके फर्जन जी, क्या नाम है इनका? असर हुसैन। तो आप इनको भी सिखाएं क्या सांप के ताल्लुक से? इनको भी पूरी मालूमात है किस तरह से ये करते हैं? उनको भी पूरी तरह मालूमात है? अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आज हमारा एक प्रोग्राम है खास लोग खास बात, इसमें आपके वालिद साहब अफसर हुसैन साहब भी खास लोगों में आते हैं, क्योंकि खतरों से खेल के लोगों को अपनी जान बचा के, अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। कभी तुम्हारे घर में या फैमिली में दादी, आपकी अम्मी, आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि मेरे अब्बा खतरों से खेल के क्या वजह से सांप को पकड़ते, अब्बा ऐसा काम मत करो, ऐसा कहते भी? अगर डर नहीं महसूस होता आपको? नहीं, मुझे तो डर नहीं महसूस होता, क्योंकि मैं जानकारी रखा हूँ मगर पकड़ने की कोशिश नहीं करा सांप को कभी। क्यों? अभी नहीं, आप नहीं करे, आपके वालिद साहब कर रहे, तो आपको आपके वालिद साहब की जान का ये नहीं? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर वालिद साहब नहीं पकड़ेंगे तो लोगों को खतरा रहेगा सांप से। तो यानी तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे वालिद साहब अपनी जान पर खेल को दूसरों को बचान? नहीं, वालिद साहब भी कुछ सेफ्टी करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी ख्वाहिश है क्या सांप पकड़ने के बारे में? अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, तो उसके बाद में क्या इरादा है? घर में सांप लेखा को रखते तुम्हारे वालिद साहब कहिए के, तो आपको ऐसा नहीं लगता सांप यहाँ क्यों ला रहे, या सांपों से डर लगता घर में आपकी अम्मी को या घर में फैमिली वालों को? नहीं, किसी को भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसको सेफ जगह पे रखते हैं सांप। नहीं, कभी ऐसा हुआ घर में कोई एक सांप छुट के घर में आ गया? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ? ऐसा नहीं, या गलती से बच्चे वगैरह कोई ऐसा डब्बों में रख रहे, कोई डब्बा खोल दिए? नहीं, कभी नहीं करे ऐसा। तुम नहीं करे बचपन में ऐसा? नहीं। अगर बाई चांस कोई सांप खुल को आ गया अब्बा ने इस टाइम, जब क्या करते? जबकि अब्बा दूसरे जगह पकड़ने गए रहते? ऐसा कभी नहीं हुआ अभी। नहीं अभी हुआ तो आप पकड़ सकते, नॉन वेनमस रहे तो पकड़ सकते हैं। मैं आपका मेजबान एंकर इंडियन भाषा A1 टीवी उर्दू में। खास लोग और खास बात, देखिए इंडियन भाषा के साथ।